वालेकुम गाइस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मसल स्टार्ट होने जा रहा है आज, वो है शोल्डर्स। शोल्डर्स के वर्कआउट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग शोल्डर के एंगल्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक और फ्रंट शोल्डर प्रेस जो हम लगाते हैं बारबेल के साथ, उसका एंगल देखेंगे। अब मोस्टली जो लड़के करते हैं वो स्मिथ मशीन, इसको बोलते हैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ, स्मिथ मशीन के ऊपर यूज़ करते हैं। तो स्मिथ मशीन का ये फायदा है कि इसमें आपका जो रॉड है वो डिसबैलेंस नहीं होता, एक बैलेंस के साथ इस पर मूवमेंट आती है और इसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप प्रो लेवल पे हैं, आपको काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, फिर तो आप फ्री रॉड पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं या आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इवन के अगर आप मुझसे पूछें तो बीइंग ए प्रो लेवल पे भी, अगर मैं एक ट्रेनर हूं तो मैं भी इसी मशीन को प्रेफर करता हूं। उसका रीज़न ये है कि इस पर एंगल आपका बहुत ज़बरदस्त बनता है और उस पर आपको जो मसल स्ट्रेस है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम एंगल देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट आज की ट्रेनिंग है वो है बैक शोल्डर प्रेस। बैक शोल्डर प्रेस हम किस तरह से करते हैं, इसमें थोड़ा सा एंगल्स का इशू आता है लड़कों को कि जी ग्रिप कहाँ से करें। ये बहुत एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लड़के परेशान रहते हैं कि जी ग्रिप कहाँ से करनी है, कितनी विड्थ पे रखनी है। तो इसका मैं आपको सिंपल आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है। बैक रॉड जब आप करते हैं तो आपके जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म आपका 90 एंगल बनाए। जब आप इस तरीके से नीचे आते हैं तो इसका आर्म का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। मीन्स कि ये देखें आप, ये 90 एंगल मेरा आर्म बना रहा है, तो ये आपका बेस्ट एंगल है। इसका मतलब है कि आपका एंगल ठीक है। ये ना इस तरीके से आना चाहिए, ना ही ये ऐसे आना चाहिए। जब ये 90 के एंगल पे आएगा तो आपका एंगल परफेक्ट होगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि आपने बैक रॉड को किस तरीके से करना। सबसे पहले आपने अपने रॉड के अकॉर्डिंग आपकी ग्रिप सेट होगी 90 के एंगल पे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने 90 एंगल पर अपना ग्रिप सेट कर ली और इस तरीके से हम इसको लिफ्ट अप कर लेंगे। अब मैं आपको कैमरे की तरफ फेस करके दिखा रहा हूँ, वरना आपने जब भी इसको लगाना तो आपने मिरर साइड फेसिंग रखनी है और मिरर पे फेस करके आपने इसको परफॉर्म करना है। ये इसका सिंपल एंगल है। आपने नीचे अपनी नेक तक लेके आना और वापस मैक्सिमम ऊपर अपलिफ्ट करना है लाइक दिस। बहुत ही ज्यादा इसका कमाल का एंगल है आपके डेल्टॉइड्स को और आपके कॉलर को बिल्ड करने के लिए। टोटल आपके शोल्डर को इन स्ट्रेस रखता है थ्रू आउट द ट्रेनिंग। तो ये बैक और फ्रंट रॉड आपके डेल्टॉइड मसल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट है। तो ये इसका मैंने आपको एंगल बताया, इसको आप अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसमें अपना वेट सेट कर सकते हैं और उसके साथ आप इसको लगाएं, स्मिथ मशीन पर लगाएं। अगर आप प्रो लेवल पे हैं तो आप फ्री भी लगा सकते हैं और इसको आप करके ट्राई करें। तो ये बहुत ही आपको कमाल का वर्कआउट मिलेगा शोल्डर के लिए। और गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ लाइक करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए लेके आए। मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं वर्कआउट्स के जो मैंने आपको सिखाना है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह सोचा है आपको कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको फिटनेस से रिलेटेड मैंने सिखानी है। अभी जस्ट हम बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको मज़ीद चीज़ें सिखाऊँगा ताकि आप भी प्रो लेवल पर वर्कआउट कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।